पहला तो सारे नमस्कार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। साड़ी नेकी दी हट्टी शुरुआत अज तो ही है। मैं दीपक गर्ग हेल्पफुल NGO वेलफेयर सोसायटी तो तकरीबन असी एक साल तो जिहड़ी की है जरूरतमंद लोगों की बेसहारे लोग जिहड़े है उन्हें सेवा करते हैं। डायलिसिस हो गया, मैडिकल सुविधा तो मैडिकल इलाज, बच्चों की पढ़ाई, आ जरा लंगर की सेवा हूँ लॉकडाउन च गाँव माता की सेवा की है, पशु पक्षियों की है, सारे की सेवा की है। एक कला मैं कुछ नहीं है, साड़ी NGO है वो मैंबर ने सब जेड़े उन्होंने जे दानी सज्जन ने जे साडे ट्रस्टी ने फाउंडर मैंबर ने ये सारी NGO ने सिर पर चलती है। मैं तो बस उन्होंने मैं राह पाया है, मैं लगे परमात्मा ने मैनू राह पाता, वो साडा सहयोग दे रहे हैं तो ता करके मैं सारा करी जा रहा है। देखो साड़ी शुरुआत हुई है, साडे फाउंडर मैंबर बैठे ने, भारती जी भी बैठे ने, इतने हम साड़ी संडे असी मीटिंग करांगे। साड़ी जिहड़ी सोच है छे हल्के ने और छे छे एक एक दुकान खोली तो तुहानूं होर खुशखबरी दस दिए जल्दी साडा हेल्पफुल NGO वेलफेयर सोसायटी मैडिकल स्टोर भी खोल। मैं अशोक भारती NGO का सदस्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लुधियाना में हमारी जो NGO है वेलफेयर सोसाइटी बहुत देर से लोगों की सेवा में लगी हुई है। COVID-19 में भी हमने 5,000 से लेकर 4,000, 3,000, 6,000, 7,000 डेली लोगों को भोजन भी पहुंचाया, सूखा राशन भी पहुंचाया। इसके अलावा हम 2-3 साल से मरीजों की हेल्प भी बहुत करते आ रहे हैं। मॉडर्न रोड कृष्णा मंदिर, दो तीन और हॉस्पिटल हैं लुधियाना हॉस्पिटल में, हम मरीजों की कंटिन्यू मतलब सेवा करते हैं। कोई भी जरूरतमंद परिवार का हमें सदस्य कॉन्टैक्ट करता है, चाहे कोई भी हो तो हम उसकी जितनी भी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करते हैं। डायलिसिस के मरीज तो तकरीबन हमें कह सकते हैं कि महीने में 20-25 मरीजों की डायलिसिस करते हैं और हम मरीज से कोई खर्चा नहीं लेते हैं। हम जितने भी सदस्य हैं और परमात्मा की कृपा से जो भी हमसे होता है हम उनकी पूरी पूरी सेवा करते हैं। अब हम आज के दौर में कोविड को देखते हुए महंगाई के दौर में हमने एक नेकी की दुकान NGO के झंडे के नीचे ही खोलने का निर्णय किया है, जिसकी हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हम जिस जो सेवा का बीड़ा उठाया है वो हमारी मदद करें, और हमारा ये एम है कि हम इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पर ही काम करेंगे। हमें प्रॉफिट की लालच नहीं है, हमें ये है कि गरीबों तक जो राशन है उन तक सही पहुंच सके। कोई लूट वाला काम नहीं होगा यहाँ पर, बिल्कुल जेन्युइन परचेज प्राइस पे प्लस जो पैकिंग का खर्चा हो वो लगा